मसूरी खेल और सांस्कृतिक समिति ने नगर पालिका परिषद मसूरी के सहयोग से रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईटीएम के निदेशक श्रीधर कट्टी ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान श्रीधर कट्टी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां युवाओं का उत्साह वर्धन होता है, वहीं खेल के प्रति उनमें रुचि बढ़ती है। आईटीएम के निदेशक श्रीधर कट्टी ने कहा कि आज जिस प्रकार से युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, उसके लिए खेल बहुत आवश्यक है और आज स्वस्थ शरीर के लिए भी खेलों का महत्व बढ़ गया है। इस तरीके के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं मसूरी खेल और सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष सैमुअल चंद्र ने बताया कि ये 11वीं रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता है और हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण रोटरी क्लब की तरफ से किया जाएगा। हमारे देश में ये नारा है कि स्वस्थ भारत सशक्त भारत। हर एक भारत निवासी अपने आरोग्य को इतना अच्छा बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। जब तक हम अपने सेहत की पूरी ख्याल नहीं रखते हैं, तब तक हमारे विचार आइडियाज़ इतने ब्राइट ना हो सके कि हम पूरी दुनिया में अग्रसर हो जाए। इस दिशा में रोटरी क्लब और मसूरी का कल्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नगर पालिका, आईटीएम, हम सब लोगों ने मिल के ये जो 11th रन फॉर द नेशन आयोजित किया है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें इतने बढ़ चढ़ के सभी मसूरी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और क्षमता की प्रदर्शन की। बहुत कैटेगरीज में अवार्ड्स रखे गए थे। हर एक कैटेगरी में 6-6 अवार्ड्स दिए गए। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हो गए। इसके पीछे जो भी लोग हैं, जितना परिश्रम किए हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनके स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और खुद बच्चे हैं, उनके मैं सब अभिनंदन करना चाहूँगा और उनकी सराहना कराना चाहूँगा कि हमारे देश की जो नीति है कि सेहत के बारे में प्रमुखता देना चाहिए, इसकी तरफ सबकी रुझान आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये 11वीं रन फॉर द नेशन क्रॉस कंट्री दौड़ है और नगर पालिका परिषद और रोटरी इसमें हमें सहयोग करती है। प्राइजेज में हमें रोटरी सहयोग करती है और बाकी चीज़ों में नगर पालिका परिषद हमें सहयोग करती है। और ये मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें मसूरी के लगभग सभी स्कूलों ने भाग लिया है। करीब 400 बच्चे इसमें भागे हैं और अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स कैटेगरी में इवेंट हुए हैं और दौड़ने वाले समस्त 6-6 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, रिफ्रेशमेंट दिया गया है और सभी का सहयोग मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मसूरी के सभी लोगों का कि उन्होंने इसमें भाग लिया। ये देश के लिए दौड़े बच्चे, ये हमारे लिए गौरव की बात है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम कराते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।